स्वागत है आपका टिक टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। इस समय बात करेंगे हम सीरियल भाग्य लक्ष्मी की, जहाँ भाग्य लक्ष्मी में अब यहाँ पर अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। नया ट्विस्ट इसलिए क्योंकि इस होली अब यहाँ पर इन दोनों की अब मुलाकात अब होने वाली है, मतलब की ऋषि और लक्ष्मी की। फिलहाल यहाँ पे मलिष्का ने लक्ष्मी को देख लिया है। यहाँ पर जिस मॉल में यहाँ लक्ष्मी और रोहन शॉपिंग करने के लिए गए थे, उसी मॉल में अब यहाँ मलिष्का भी आ जाती है, क्योंकि मलिष्का यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मी की झलक देखती है। यहाँ पर उसे लगता है कि लक्ष्मी जो है वो यही थे, लेकिन जब तक वो यहाँ पर उसकी तरफ जाती है, तब तक यहाँ बीच में जो है वो ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी गायब हो जाती है वहां से। अब मलिष्का को बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। यहाँ वो झलक देखी है तो वो यहाँ पर पता करते हुए नजर आएगी कि आखिरकार वो लक्ष्मी है भी या नहीं। अब वो उसी मॉल में घुस जाएगी, यहाँ आसपास देखेगी लेकिन कहीं नहीं होगा। मॉल में घुसने के बाद जो है वो उसकी मुलाकात अब यहाँ लक्ष्मी सब होने वाली है। जहाँ लक्ष्मी को पीछे से देखते हुए नजर आएगी, उसे पता चल जाएगा कि लक्ष्मी जो है वो जिंदा है। अब यहाँ मलिष्का थर थर कांपते हुए नजर आएगी और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने वाली है। जहाँ पर अब वो जाएगी अब ओबेरॉय परिवार में, यहाँ उसकी माँ मिलेगी। जब उसकी माँ जो है वो अब मलिष्का का उतरा हुआ चेहरा देख करके कई सारे सवाल करने वाली है। जब वो पूछते हुए नजर आएगी कि यहाँ मलिष्का क्या हुआ है, यहाँ तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। अब जो मलिष्का है वो ये कहेगी कि मैं यहाँ इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जिसे सुनने के बाद आप खुद भी यहाँ पर परेशान अब हो जाएंगे। जहाँ पर अब मलिष्का ये कहेगी कि मैंने मॉल में जो है वो लक्ष्मी को देखा। जहाँ इतनी सी बात अब यहाँ किरण को इतनी ज्यादा परेशान कर देगी कि इसके हाथ में जो जूस का गिलास है वो टूट करके अब गिर जाएगा। अब यहाँ पर जो है अब वो मलिष्का ये बात कहेगी, इतने में किरण ये कहती हुई नजर आएगी कि ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो जो है वो ऋषि और आयुष ने खुद लक्ष्मी की बॉडी को जलते हुए देखा था। तो आखिरकार यहाँ पर ये सारा सच कैसे हो सकता है, तुम्हारा ये वहम होगा, यहाँ पर जो है वो तुमने किसी और को देखा होगा। जहाँ मलिष्का भी कहते हुए नजर आएगी कि हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन यहाँ पर मैंने लक्ष्मी को ही देखा था। मतलब अभी भी साफ है कि मलिष्का ने जिस औरत को देखा वो लक्ष्मी जैसी ही थी, मतलब लक्ष्मी को देखा लेकिन उसने ठीक से नहीं देखा। अब यहाँ पर जो नीलम है वो बीच में अब यहाँ सुन लेती है बातें कि लक्ष्मी की बातें हो रही है। जहाँ पर अब नीलम भड़क जाएगी और कहेगी कि उस औरत का यानी कि उस लक्ष्मी का यहाँ कोई नाम नहीं लेगा, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब ऐसे में ये सारी बातें अब यहाँ परेशान करते हुए नजर आएगी और शो का जो ट्रैक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर मलिष्का अब यहाँ पारो वाली जो लक्ष्मी टीचर है उससे परेशान है, पारो से परेशान है, और ऐसे में यहाँ बात भी लक्ष्मी की हो रही है तो वो और ज्यादा यहाँ परेशान हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जब से पारो आई है तब से यहाँ पे हर कोई ना कोई तीसरा बंदा जो है वो लक्ष्मी की ही बातें कर रहा है, और ऐसे में नीलम को बहुत ज्यादा बुरी लग रही है ये सारी चीजें। शो का जो ट्रैक है वो होगा बेहद ही खास, जहाँ चीजें सबके सामने अब आती हुई नजर आएंगे। फिलहाल के लिए अब यहाँ पे प्रोमो में देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी इन दोनों की मुलाकात होगी, जहाँ ऋषि भी अब यहाँ पर लक्ष्मी को जल्दी देखने वाला है। तो कैसे होगी ये मुलाकात, किस तरीके से अब यहाँ होता हुआ नजर आएगा हंगामा, ये आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीरियल भाग्य लक्ष्मी का आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब होता हुआ नजर आएगा, जहां कहानी में बने वाला है यहां हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ गाइस, अब एक एक करके अब पोल खुलती हुई नजर आएगी और उसके बाद जो है वो सारी कहानी अब पूरी तरीके से पलटती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए अब यहाँ पर जो शो का ट्रैक है वो होने वाला है बेहद ही खास, उसके बाद अब यहाँ पर सारी चीजें अब यहाँ आती हुई नजर आएगी सबके सामने। तो हाल फिलहाल का जो प्रोमो है उसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जल्द ही अब लक्ष्मी लौटने वाली है और यहाँ पर मलिष्का को देने वाली है अब सबसे बड़ा झटका। सबसे पहले देखिए यहाँ होली स्पेशल में अब यहाँ मलिष्का की हुई है एंट्री ओबेरॉय परिवार में, तो वहीं पर मलिष्का जो है वो सबसे ज्यादा खुश है। जहां वो आते ही यहां पर नीलम के पैर छुएगी, यहां पर सबके आशीर्वाद लेती हुई नजर आएगी। तो एक तरफ यहां पे पारो काफी ज्यादा यहां पर नाराज हो गया, वो यहां मलिष्का को देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाएगी। वही पूछेगी कि डैड ये कौन है, तो वो कही यहां पर ऋषि जो है वो कहता हुआ नजर आएगा कि यही मेरी यहां पर वाइफ है, पत्नी है। लेकिन वो पत्नी बोलते वक्त वो यहां पर थोड़ा सा कतराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर ऋषि जो है वो उसे पत्नी नहीं मानता और ना ही वो यहां पर मलिष्का को कोई प्यार करता है। तो हालांकि यहां पर ये जो शो का ट्विस्ट है वो होता हुआ नजर आएगा बेहद ही खास, उसके बाद जो है वो सारी चीज अब यहाँ पर बदलती हुई नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर हंगामे अब देखने को मिलेंगे, तो कहानी में अब यहाँ पर काफी सारे नए ट्विस्ट अब आते हुए नजर आएंगे। तो जो शो का जो ट्रैक है वो होने वाला है बेहद ही खास, उसके बाद सारी चीजें पलटेगी और यहाँ पर कहानी में अब आने वाला है नए सारे ट्विस्ट। तो इस ट्विस्ट को लेकर के क्या होगा, कैसे अब यहाँ पर पता चलेगी अब ये सारी सच्चाई की, ये सब कुछ जो हुआ है वो इन दोनों की वजह से ही हुआ है। अब यहाँ पर जो मलिष्का है वो अब ऋषि के साथ अब यहाँ पे पूजा करेगी और होलिका के साथ फेरे लेती हुई नजर आएगी, यानी अग्नि के साथ फेरे लेगी। लेकिन जब वो
यहाँ पे फेले ले रही होगी तो बड़ा विघ्न अब होता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो जो यहाँ पे लक्कड़ है वो गिर जाएगा, यानी आग का लक्कड़। लेकिन इस बीच यहाँ पे मलिष्का बचा लेगी और मलिष्का यहाँ पर ऋषि को सेव कर लेगी। यही चीज अगर लक्ष्मी करती तो यहाँ पर उसे बहुत कुछ सुनने को मिल जाता, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा और यहाँ जो पारो है वो अपना सच बताएगी। देखिए आने वाले एपिसोड के ट्रैक में देखने को मिला कि जो पारो है वो यहाँ पर अपने मॉम को बहुत याद कर रही होती है, बहुत मिस कर रही होती है। वो ये सोचती है कि यहाँ पर ये क्यों आ गई है, यहाँ पर अपनी मॉम को यहाँ पर बुलवाना चाहती है। अब ऋषि तो काम में बिजी होगा, इधर मलिष्का आएगी, मलिष्का ये कहेगी कि चलो हम तुम्हारी माँ से बात करते हैं। जब वो लक्ष्मी के बारे में जानना चाहती है कि इसकी माँ का नाम भी लक्ष्मी है, जहाँ मलिष्का को ये लगेगा कि कहीं वो लक्ष्मी वही लक्ष्मी तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है उसको इसकी बॉडी नहीं मिली और क्या पता वो लौट करके आ जाए, फिर क्या होगा। अब ऐसे में उसका जो ये डर है पूरी तरीके से अब यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सच, क्योंकि यहाँ पर जो मलिष्का है वो कॉल करेगी और यहाँ पर कॉल पर आवाज़ सुनने वाली है अब लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी की आवाज़ सुनने के बाद उसे हाई वोल्टेज झटका लगने वाला है, क्योंकि वो किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि सचमुच में अब यहाँ पर लक्ष्मी की ही होने वाली है आवाज़। तो जल्द ही अब यहाँ शो के ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अब जो लक्ष्मी है वो आएगी और उसके बाद अब यहाँ हंगामे खड़ा करने वाली है। जहाँ पर अब हंगामे खड़े होने के बाद जो है अब वो मलिष्का जो है वो सब में सच बता देगी, लेकिन सच बताने से पहले वो लक्ष्मी से मिलेगी, क्योंकि वो अपनी शक को दूर करेगी। मतलब कि उसको लगता है ऐसा है कि वो ये दोनों है ऐसे, तो यहाँ पर जो है वो अब हंगामे होंगे। तो शो का जो ट्विस्ट है वो होगा अब यहाँ पे बेहद खास, उसके बाद सारी चीज़ अब यहाँ आती हुई नजर आएगी सबके सामने और यहाँ पर अब होगा यहाँ बड़ा धमाका। तो जल्दी अब यहाँ ट्रैक में अब यहाँ होता हुआ नजर आएगा हंगामा। तो हाल फिलहाल में अब यहाँ पर जो मलिष्का है वो यहाँ पर जाएगी गुरदासपुर और वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी सभी लोगों से, लेकिन उसे जब यहाँ पर पता चलेगा कि ये सब कुछ जो है वो सच है, यहाँ पर जो है ये सब जो है वो सब कुछ सच है, यहाँ पर जो मलिष्का ने सोचा था वो बिल्कुल यहाँ पर सच है, लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वही लक्ष्मी है जो 7 साल पहले अब आई थी। अब इस लक्ष्मी का सारा चिट्ठा जानना चाहेगी और उसके बाद ऋषि को यहाँ पर बता देगी, जहाँ ऋषि अब यहाँ पर मलिष्का को नहीं छोड़ेगा, पारो और सलोहन के सामने सारा सच आ जाएगा। अब इस सच को जानने के बाद जो नीलम है वो तो अभी भी यहाँ पर मलिष्का का ही साथ देगी, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर मलिष्का कभी गलत थी ही नहीं, यहाँ पर जो गलत था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये दोनों थे। तो आने वाले शो के ट्रैक में अब जल्द ही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये दोनों अब यहाँ पर बाद अब होते हुए नजर आएंगे, उसके बाद अब होता हुआ नजर आएगा यहाँ हंगामा। तो इस हंगामे को लेकर के क्या होगा शो के ट्रैक में, किस तरीके से अब यहाँ पर खुलेंगे पोल, क्या कुछ अब होगा यहाँ पर ड्रामा, तो आने वाले शो के ट्रैक में अब देखने को मिलेगा जल्द ही कि ये सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ इन दोनों की वजह से हुआ है, जहाँ ये सब कुछ अब यहाँ पर बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। तो जल्द ही अब यहाँ पर ड्रामा होगा, उसके बाद यहाँ हंगामा होगा, उसके बाद अब सारी चीज़ें खुलते हुए नजर आएगी, तो क्या होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो देखा गाइस आपने, यहाँ पर जो लक्ष्मी है जब वो बाजार जाएगी यहाँ पे कुछ रंग लेने के लिए, तो वहीं उस बाजार में यहाँ ऋषि भी अब मौजूद होगा, जहाँ पर भीड़ भाड़ के चक्कर में अब यहाँ लक्ष्मी और ऋषि दोनों का हाथ अब टकराता हुआ नजर आएगा, जिस बीच अब यहाँ इन दोनों को अब करंट लगने वाला है। लेकिन जब तक यहाँ आपस में यहाँ पे दोनों मुड़ कर देखेंगे तब तक यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ आसपास भीड़ इतनी होगी कि यहाँ पर कोई भी किसी को पहचान नहीं पाएगा और यहाँ पर जो है वो देख भी नहीं पाएगा, मतलब यहाँ पर ऋषि लक्ष्मी को दिखी है। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि है उसे यहाँ एहसास हुआ है कि लक्ष्मी यहीं गई है और लक्ष्मी जिंदा है, जहाँ ऋषि को यह बात अब पता चल चुकी है, तो वो लक्ष्मी को ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस होली यहाँ पर ऋषि लक्ष्मी का मिलन जरूर होगा और यहाँ 7 साल का राज भी अब खुलता हुआ नजर आएगा, यानी जल्द ही शो के ट्रैक में अब यहाँ रोहन की मिस्ट्री से अब यहाँ पर्दा उठेगा और उसके बाद यहाँ पर मलिष्का और नीलम का साजिशों का चिट्ठा अब सबके सामने आएगा, मतलब कि नीलम मलिष्का की वजह से आज यहाँ पे लक्ष्मी यहाँ इस कदर जी रही है और उसकी वजह से ही यहाँ पर ये सारे मोड़ अब आते हुए नजर आ रहे हैं। तो शो के ट्रैक में क्या होगा, किस तरीके से पता चलेगी ये सारी बातें, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी ऐसे मोड़ अपडेट्स जानने के लिए आप टिक टीवी को फॉलो जरूर करें।